अच्छा प्रियदर्शनी कॉलेज में सबसे बड़ी वर्कशॉप तो मशीन प्रोसेस के ऊपर। अच्छा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है और पॉलिटेक्निक में नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो रही। हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं मशीन प्रोसेस लैब में। ये प्रियदर्शनी कॉलेज में स्पेशली मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और एरोनॉटिकल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी लैब है ये और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कारखाने में ही आया हूँ। बट यहाँ पे सिखाया जाता है स्पेशली कि किस तरह से मशीन प्रोसेस करती हैं और अलग अलग यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं। क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशंस भी हैं कि क्या क्या होता है, मतलब एक मशीन के अंदर टर्टल लेथे वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हैं। और ये सर हमारे साथ जो कि इसके मेन इंस्ट्रक्टर है इस पर्टिकुलर लैब के मशीन प्रोसेस के। आई एम ऑल्सो सरप्राइज, पहली बार मैं इस लैब में आया हूँ और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे एक्सपीरियंस यहाँ पे। दो अलग अलग टाइप की मशीनें यहाँ पे दिख रही है मुझे, शेफल मशीन्स ना। अच्छा, एक लेथ मशीन है यहाँ पे। ये पूरी लेथ मशीन्स। लेथ मशीन्स किस लिए यूज होती है? राउंड जॉब परफॉर्मेंस के लिए, जैसे नट बोल्ट, हाँ, होल्डिंग डिवाइस हो गया आपका, हाँ, शाफ्ट हो गया, हाँ, उसके लिए लेथ मशीन्स। हाँ, लेथ मशीन एक्चुअली यूज इन राउंड जॉब्स, ओके, जो परफॉर्मेंस के लिए। शेफर मशीन ग्रूव्स के लिए होता है, हाँ, और स्क्वायर जॉब इरेगुलर शेप्स जो रहते हैं, अच्छा, स्क्वायर ट्रायंगुलर, उसके लिए यूज होती है। दो तो ये दो डिफरेंस हमको यहाँ पे लेथ मशीन और शेफर मशीन के बारे में यहाँ पे रसिक सर ने हमको बताया बहुत ही क्लियरली। रसिक सर थैंक यू सो मच। एक और बड़ी सी मशीन मुझे दिख रही है वहाँ पे, ग्राइंडर मशीन है। अच्छा, ये ग्राइंडर। अच्छा, दिस इज ग्राइंडर मशीन एंड मेटल के ऊपर मिरर फिनिश के लिए। ओके, माइक्रोन में आता है उसका जो टॉलरेंस रहता है, जैसे अपन ग्लास के ऊपर, जैसे आप शीशा में चेहरा देखते हो, अच्छा, हिसाब से माइक्रोन में 0.01 माइक्रोन में उसकी फिनिशिंग होती है। दिस इज स्टेनलेस स्टील एज अ मेटल के ऊपर भी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, और उसको पेंट भी किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। और एक बड़ी मशीन और मुझे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे अलग अलग मशीन से है वैसे, एक बड़ी मशीन की तरफ जाते हैं। ये किस चीज़ की मशीन है सर? ड्रिल मशीन है। ओके, ड्रिलिंग मशीन, देखिए यहाँ पे। ओके, होल करने के लिए कोई भी मेटेलिक पार्ट को, स्क्वायर जॉब हो गया आपका, उसके लिए। सो देखिए, ऐसा मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी मतलब एक छोटे से सेटअप में आया हूँ जहाँ पे काम होता है और अलग अलग टाइप की मशीन्स है यहाँ पे और अच्छा खासा नॉलेज बच्चों को मिलता है। विदर्भ में सबसे बड़ी वर्कशॉप ये जो है विदर्भ में इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे बड़ी अपनी है, नागपुर की प्रिय प्रदर्शनी में। अच्छा, प्रियदर्शनी कॉलेज में सबसे बड़ी वर्कशॉप तो मशीन प्रोसेस के ऊपर। विदर्भ में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है और पॉलिटेक्निक में नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब इसको एक्सपोज करना तो चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज इतना अच्छा चीज जब हमारे पास सेटअप है कम्प्लीटली, इतना बड़ा मशीन लैब, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। एंड दिस इज व्हाट प्रेस मशीन वी आर हैविंग। वो सिलिंड्रिकल ग्राइंडर है, जैसे सरफेस ग्राइंडर है तो वहाँ पे फ्लैट सरफेस पे आता है। अच्छा, तो वो सरफेस सिलिंड्रिकल ग्राइंडर है, वो राउंड जॉब के लिए आता है। अच्छा 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 अच्छा, तो बहुत बढ़िया, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया सर आपने हमको। अलग अलग मशीन्स हैं यहाँ पे, एक ही टाइप की मशीन्स नहीं है, मशीन भी ढेर सारी हैं, अलग अलग टाइप्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स हमारे कॉलेज में आके सीखते हैं और उनको नॉलेज होता है, जो कि उनको इन फ्यूचर बाद में उनके जो कंपनी में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे कोर कंपनी में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अदर डिपार्टमेंट से भी अगर स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, कुछ हेल्प चाहिए होगा, फिर भी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा एक छोटा सा व्लॉग कवर करने के लिए। मैं भी प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस लैब में आया करके और मुझे ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे भी पता चला कि इतनी सारी मशीन्स हमारे कॉलेज में हैं, जो कि मतलब मेरे नज़रों से अभी तक करीबन 12 सालों में कभी नहीं आई है और ये पहली बार आई है। थैंक यू सो मच सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा व्लॉग मैं लेके आया प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मशीन प्रोसेस लैब का। थैंक यू सो मच। ये रसिक सर, बाय कर सकते सर हमें?